डाउट जो भी ये सारा मामला सबके सामने, हमारा पार्टी नेतृत्व तो बहुत मजबूत है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, रणधावा साहब सब ने मिलकर कल दिल्ली में जो मीटिंग की है उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और राजस्थान में हमारी योजनाएँ तो बोल रही है, जनता की जवान पर हमारी योजनाएँ, भारतीय जनता पार्टी की तो हवा निकल गई। 100 यूनिट बिजली को लेकर राजस्थान की बीजेपी जो माहौल बना रही थी फ्यूल चार्ज को लेकर, हवा निकल गई। 100 यूनिट तक तो किसी के कोई फ्यूल चार्ज लगेगा ही नहीं। राजस्थान में 87% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 100 यूनिट बिजली चलाते हैं, उनके 0 बिल आएगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ बीजेपी वालों, और बीजेपी वालों में दम है तो बीजेपी केंद्र की सरकार ने 9 वर्ष में जितने काम किए हैं, तो मेरे साथ ये राजेंद्र राठौड़ जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनको बहस की चुनौती देता हूँ, आ जाएँ कौन से मंच पर बहस करेंगे। और यदि वो बीजेपी कार्यालय में बहस करना चाहते हैं तो वहाँ भी मैं उनसे बहस करने को तैयार हूँ, और वो 9 वर्ष के बीजेपी के कामों को लेकर आ जाए, और मैं 4.5 वर्ष के कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के कामों को लेकर आ जाता हूँ और सच्चाई पर बात कर लूँ। बार बार झूठ बोलते, इस देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 2-2.5 रुपये टैक्स लगता था डीजल पेट्रोल पर, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आज क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल है, $50 प्रति बैरल कम हो गए। आपने क्या 40-50 रुपये टैक्स कर दिया, जो कम हुए वो हमको फायदा नहीं दे रहे, नहीं तो आज तो 40 रुपये पे आ जाए पेट्रोल डीजल। तो अब ये झूठा चार्ज लगाते हैं कि राजस्थान में हमने टैक्स बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया टैक्स, केंद्र सरकार ने बढ़ाया, राजस्थान के टैक्स नहीं बढ़े। गैस सिलेंडर 400 रुपये से सीधा 1100 पार ले गए, तो ये तो बीजेपी लेके गई है। नोटबंदी 500 और 1000 के नोट बंद किए, तब बीजेपी ने कहा महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और हम है ना जो काला धन लाने के लिए 1000 का 500 का नोट बंद कर रहे हैं, आप हमें 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे, मजा आ जाएगा। जब काला धन आएगा तो 15 लाख रच्छे दिन तो अपने आप ही आ जाएंगे। 15 लाख रच्छे दिन आ गए, 500 1000 के नोट जो बंद किए उन नोटों को खत्म करने में, मतलब काटने में, और नए 2000 के नोट छापने में 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार ने खर्च किए। अब सिर्फ 6 साल बाद वही मुद्दा वापस, महंगाई भ्रष्टाचार और काला धन लाने के 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। अरे बंद कीजिए ना 2000 का नोट, कौन मना कर रहा है। लेकिन दुनिया में इंडिया बदनाम हो गया, गरीब महिला मीडियम क्लास जिसके भी घर पे 2000 का नोट है, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, तो ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। बैंकों में जमा हो कि आप बैंकों में डंप करते जाओ, आधे तो खत्म हो ही गए, अब आपने वापस लाइनों में खड़ा कर दिया। तो 50,000 करोड़ रुपए पहले आप छापने में लगाते हो 2000 का नोट, अब आप उसको बंद करके और वापस क्या खेल खेलना चाहते हो इस देश में। देश समझ रहा है कि ये भी क्या बड़ा खेल है, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो भाई साहब, बताओ तो सही, है क्या ये सारी की सारी राजनीति।